अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टॉपिक को स्टार्ट किया था। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर तो डिटेल में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद नहीं है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तीसरा फेज डिजाइन और चौथा फेज कोडिंग को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बाकी के फेजेस टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फेज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। फिर उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने बहुत सी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया था। उसके बाद सिस्टम को डिजाइन और फिर कोड किया था। दोस्तों, यहाँ तक हमारा एक पूरा सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर हम इसको अगले फेज में यानी इसकी टेस्टिंग क्यों करते हैं? इसको डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के हैंडओवर क्यों नहीं कर देते, यानी इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देते? तो दोस्तों, ये टेस्टिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नए क्लास में जाने के लिए टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट के जरिए आपको अपनी पिछली क्लास की खामियों का पता लगता है और उन खामियों को दूर करने के बाद ही आप अगली क्लास के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेस्ट दिए बिना ही अगली क्लास के अंदर चले जाएंगे तो आपकी अगली क्लास टीचर को आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो खामियां पहले से मौजूद हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट किए बिना ऑर्गेनाइजेशन के हैंड ओवर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन यानी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को बार बार आने वाले एरर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के कामों में रुकावट आएगी, हो सकता है कि उसका काम रुक जाए। तो दोस्तों, इसीलिए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है ताकि पहले ही उसकी खामियों को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, टेस्टिंग के मायने होते हैं सॉफ्टवेयर को इसलिए इस्तेमाल करना है कि उसमें खामियां निकाल सके और फिर उन्हें दूर कर सकें। इसके जरिए किसी भी सिस्टम की सक्सेस को यकीनी बनाया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर एनालिसिस के फेस में इकट्ठा की गई रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर भी रहा है या नहीं। दोस्तों, वो लोग जो आपके सिस्टम को, आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं वो क्यूए कहलाते हैं, जो कि मुखफ्फिफ है क्वालिटी एश्योरेंस का। दोस्तों, टेस्टिंग दो तरह की होती है, यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। यूनिट टेस्टिंग को मॉड्यूल टेस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा एक सिस्टम बहुत से मॉड्यूल्स पर, बहुत से फंक्शंस पर, बहुत से टास्क पर मुश्तमिल होता है और यूनिट टेस्टिंग के जरिए हर मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास फी कलेक्शन सिस्टम था, उसको पहले स्टूडेंट फीस को सबसे पहले रजिस्टर होता है, रजिस्टर होने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद फी कलेक्टर को उस फीस की नोटिफिकेशन आती है, कलेक्टर उस फीस को बैंक स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर करने के बाद स्टूडेंट को फीस सबमिटेड की नोटिफिकेशन सेंड कर देता है। तो दोस्तों, ये टोटल 4 से 5 मॉड्यूल हैं। अब जब इनकी यूनिट टेस्टिंग की जाएगी तो हर मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट किया जाएगा कि क्या पहले मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन सही हो गई है या नहीं। अगर कहीं नेम डालना है और स्टूडेंट ने कहीं नंबर तो नहीं डाल दिया, और नंबर डालने के बाद क्या आपका सॉफ्टवेयर एरर दे रहा है या नहीं, क्या इस तरह तमाम मॉड्यूल्स को अलग अलग चेक किया जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर आप सीक्वेंस से टेस्टिंग नहीं करते, बल्कि आप रजिस्ट्रेशन को अलग टेस्ट कर सकते हैं, दूसरे मॉड्यूल को अलग टेस्ट कर सकते हैं, फिर आप चौथे मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हैं, फिर आप आखिरी मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हैं, यानी इसके अंदर आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की जरूरत नहीं होती। के बाद है सिस्टम टेस्टिंग, के बाद है यूनिट टेस्टिंग, के बाद सिस्टम टेस्टिंग। दोस्तों, ये यूनिट टेस्टिंग के बाद ही की जाती है। हर एक मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट करने के बाद उन्हें इंटीग्रेट किया जाता है, जोड़ा जाता है और फिर पूरे सिस्टम की एक साथ टेस्टिंग की जाती है। इसीलिए इसको सिस्टम टेस्टिंग कहा जाता है। इसमें सिस्टम को एक खास सीक्वेंस में टेस्ट किया जाता है कि पहले रजिस्ट्रेशन होगी, फिर पेमेंट, स्टूडेंट पेमेंट करेगा, फिर नोटिफिकेशन कलेक्टर को आएगी, फिर वो पेमेंट सबमिट करने के बाद वापस से नोटिफिकेशन स्टूडेंट को सेंड करेगा। तो दोस्तों, अगर टेस्टिंग के दौरान सिस्टम स्टूडेंट को रजिस्टर करने के बाद डायरेक्ट कलेक्टर को नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है, यानी
जैसे ही रजिस्टर हो रहा है उसके बाद फौरन नोटिफिकेशन कलेक्टर को भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई एरर है, उसकी इंटीग्रेशन के अंदर, उसके जोड़े जाने के प्रोसेस के अंदर कोई कमी है, कोई खामी है जिसको दूर करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसीलिए यूनिट टेस्टिंग के साथ साथ सिस्टम टेस्टिंग जरूरी होती है, जिसके जरिए आप एक सिस्टम को इंटीग्रेट करके सारे मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ के फिर टेस्टिंग करते हैं। अब जब सिस्टम तमाम टेस्ट पास कर लेता है फिर उसे अगले फेज यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज में दाखिल कर दिया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन के फेज में नए बनने वाले सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के हैंडओवर कर दिया जाता है। इसमें हम डेवलप सिस्टम को जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा फाइल्स पर मुश्तमिल होता है ऑर्गेनाइजेशन को जिनके लिए ये सॉफ्टवेयर बना होता है उसमें इंस्टॉल कर देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के कुछ तरीकेकार होते हैं जिनमें सबसे पहले है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, फिर पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज पायलट इम्प्लीमेंटेशन और सबसे आखिर में यूजर ट्रेनिंग। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में जैसे ही नया सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन पुराने सिस्टम को हटा देती है। दोस्तों सिस्टम कितना ही अच्छे तरीके से टेस्टिंग फेज के अंदर टेस्ट किया गया हो इसके बावजूद जब उसे रियल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, तो एरर्स का सामना जरूर होता है। इसलिए ये टेक्निक रिस्की है क्योंकि अगर रियल एनवायरनमेंट में कोई एरर आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन के कामों में रुकावट हो सकती है और वो काम रुक भी सकते हैं। इसके बाद है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। दोस्तों इसके अंदर पुराना और नया सिस्टम साथ साथ काम करते हैं, ये सबसे बेहतरीन अप्रोच है क्योंकि अगर नए सिस्टम में कोई एरर आता भी है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के काम रुकेगा नहीं क्योंकि पुराना सिस्टम मौजूद होगा उन कामों को करने के लिए। जब ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का यकीन आ जाता है कि नया सिस्टम हर तरीके से सही काम कर रहा है तो फिर पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर डबल एफर्ट लगती है क्योंकि दो सिस्टम को एक साथ चलाया जाता है, उनकी मेंटेनेंस में भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो दोस्तों ये एफर्ट के साथ साथ बड़ी लागत वाला काम है। के बाद है फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों इसमें सिस्टम के किसी खास हिस्से या फिर मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो पूरी तरह उसकी बग्स एरर्स या फिर खामियां रिमूव हो जाती हैं, तो फिर अगला मॉड्यूल इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा सिस्टम एक एक करके इम्प्लीमेंट किया जाता है यहाँ तक कि आपका पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फी कलेक्शन सिस्टम था, अगर हम उसको फेस इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक के जरिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब इसकी तमाम खामियां और बग्स रियल एनवायरनमेंट के अंदर रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर ही हम अगले फेज के ऊपर जंप करेंगे। यहाँ तक कि हम तमाम फेजेस को एक एक करके इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और हमारा पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता वाली टेक्निक है, बहुत स्लोली काम करती है, इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। के बाद है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। ये अप्रोच ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हर सिटीज में छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले इसको किसी एक ब्रांच में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब उसके सारे एरर्स खामियां उस ब्रांच के अंदर दूर हो जाती हैं तभी उसे तमाम ब्रांचेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फी कलेक्शन सिस्टम था, तो फी कलेक्शन सिस्टम को पहले हम किसी एक फैकल्टी यानी कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के अंदर उस पूरे फी कलेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दें। जब वो वहां पर उसकी तमाम खामियां, क्योंकि किसी भी चीज को छोटी जगह पर, किसी भी एरर को छोटी जगह पर ढूंढना आसान होता है बनिस्बत बड़ी जगह पर ढूंढना और फिर उसको रिमूव करना। तो इस तरीके से जब कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी में एरर्स रिमूव हो जाएंगे, तो सिस्टम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तभी उसको तमाम ऑर्गेनाइजेशन में पूरे कॉलेज या फिर स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद है यूजर ट्रेनिंग। दोस्तों नया बनने वाला सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए भी नया होता है,
इसीलिए उस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके जरिए रोजमर्रा के काम किस तरीके से करने हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए इम्प्लीमेंटेशन का ही हिस्सा होती है दोस्तों, ट्रेनिंग्स आप वन ऑन वन यानी अलग अलग भी दे सकते हैं और बहुत सारे यूजर्स को एक साथ भी ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। इसके लिए अलग अलग टूल्स और मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें हर मॉड्यूल को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा वीडियोस और सीडीज को यूजर्स के दरमियान तकसीम किया जाता है जिसके जरिए पूरे सिस्टम को कैसे चलाना है इसकी वीडियोस को रिकॉर्ड करके ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है दोस्तों। ट्रेनिंग हर दोस्तों ये था यूजर ट्रेनिंग। इसके बाद जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का आखिरी फेज है वो है मेंटेनेंस दोस्तों। सिस्टम मेंटेनेंस के मायने है सिस्टम को जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से वर्किंग में रखना दोस्तों। ये कोई हार्डवेयर तो है नहीं, यानी आपका सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई हार्डवेयर तो है नहीं, जैसे कि आपकी बाइक गाड़ी रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई एक ऐसा पार्ट होता है जिसको बार बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है या फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, उसको हटाने की जरूरत होती है। हमारे पास तो एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेनेंस की जाती है। तो दोस्तों हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर साल 6 महीने चले और फिर उसमें अचानक कोई फॉल्ट आ जाए, कोई एरर आ जाए दोस्तों। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं हो सकता जो जिसको आप ये कह सके कि ये एक्यूरेट है या 100% एरर फ्री हो सकता है। सॉफ्टवेयर में किसी वक्त भी कोई भी एरर आ सकता है, तो ऐसे एरर्स को सही करना मेंटेनेंस में आ जाता है जिसको करेक्टिव मेंटेनेंस भी कहा जाता है, जिसमें न्यू बग्स और न्यू एरर्स को रिमूव करा जाता है, उनको हटाया जाता है, उनको सही किया जाता है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फी करेक्शन सिस्टम था, अब आपके कॉलेज की फीस बढ़ गई, फिर कुछ नया ऐड हो गया, कोई नई पॉलिसी आ गई, इस चीज में कोई कमी आ गई, तो उस नई पॉलिसी को आपको आपके सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर इसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाएंगे जो वो सारे काम हमारे लिए करेगा, यानी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहना, इसको भी मेंटेनेंस का हिस्सा कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी एग्जांपल हमारे पास विंडोज है, पहले विंडोज 98 थी, फिर विंडोज XP आई, फिर विंडोज 7, विंडोज 8 और अब विंडोज 10 है जो कि विंडोज के अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर हर अपग्रेडेड वर्जन के साथ कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स, यानी लोगों की जरूरत के मुताबिक चीजों को अपग्रेडेड वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि मेंटेनेंस का ही हिस्सा होती है। इसके अलावा अगर आपके सॉफ्टवेयर के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, उसके लिए हम जो एफर्ट्स करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तब्दीली करेंगे, ये परफेक्टिव मेंटेनेंस कहलाएगी, ये भी आपकी मेंटेनेंस का हिस्सा होगी। तो दोस्तों इन तमाम चीजों को पढ़ के हमें मालूम हुआ कि मेंटेनेंस एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो जब तक चलता रहेगा, यानी ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक आपका सॉफ्टवेयर रन होता रहेगा। दोस्तों यहाँ तक हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के तमाम फेसेस को, यानी प्रॉब्लम से लेकर उसके हल तक और फिर उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस तक के फेसेस को डिटेल में पढ़ा है। दोस्तों अगले लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे।